खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां बरेली की क्राइम ब्रांच और प्रेम नगर थाना पुलिस ने महंगे शौक पूरे करने के लिए एटीएम लूटने और वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ी, 3 तमंचे और एटीएम काटने की घटना का खुलासा किया है। एटीएम लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि बीते 6 सितंबर को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के एटीएम को कुछ बदमाशों ने उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस गश्त के चलते बदमाश छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद से पुलिस इन बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई थी। आज पुलिस ने इस गैंग का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एटीएम मशीन लूटने के लिए पहले 3 लग्जरी गाड़ियों की चोरी की और फिर प्रेमनगर क्षेत्र में एटीएम लूट की योजना बनाई। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद कर ली है। इसके अलावा प्रेमनगर की एटीएम लूट की वारदात में भी यह बदमाश शामिल थे। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी बदमाशों की उम्र 20 से 25 वर्ष है। ये सभी बदमाश उत्तराखंड के रुद्रपुर की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। महंगे शौक और अयाशी के चलते इन सभी लोगों ने एटीएम लूटने की योजना बनाए। इस पूरे गिरोह में 5 लोग शामिल थे। एक युवक अभी फरार है, जिसके लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। ये 5 और 6 सितंबर की रात्रि को थाना प्रेमनगर के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक का एटीएम था, उसको कुछ लोगों के द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया गया और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा। जब वहां पे पहुंचे तो ये सब लोग वहां से भाग गए। पुलिस के द्वारा इसमें घटना का निवारण किया गया। इसमें कुल मिलाकर 5 लोग सम्मिलित थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है, सेंट्रो गाड़ी भी है और सफारी, टाटा सफारी गाड़ी जो उन्होंने पहले कहीं और थाने से चोरी की थी, उसको भी बरामद किया गया है। और एक अभियुक्त उसमें से अभी फरार चल रहा है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें तार हो या फिर जो घटना में प्रयुक्त सेंट्रो गाड़ी हो, वो भी इसमें बरामद की गई है। ये घटना पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए पूर्व में ये 2 बार और प्रयास कर चुके थे, जिसमें कि ये टाटा सफारी गाड़ी 2 अलग अलग थानों से चोरी करके इन्होंने प्रयास करने की कोशिश की थी। जो गाड़ी की जो खराबी है या पुलिस के लोगों के द्वारा उसमें सूचना दे दी गई थी, जिससे कि वो दोनों टाटा सफारी गाड़ी इनको छोड़नी पड़ी थी। ये 20-22 साल के नए उम्र के लड़के हैं और इसमें एक 32 साल का आदमी है और घटना का जो मास्टरमाइंड है वो जो अकेला जो लड़का है वो गाजियाबाद का रहने वाला है।